आपके पास रेडमी का कोई भी स्मार्टफोन है, उसमें आप जैसे प्ले स्टोर ओपन करते हैं, वहाँ पे लिख किया जाता है यू आर ऑफलाइन, ट्राई अगेन, नोटिफाई मी, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके प्ले स्टोर के अंदर इस तरीके से एरर आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, इसे आप कैसे सही कर सकते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा, आपका रेडमी का स्मार्टफोन है या किसी अदर कंपनी का है, आप इस प्रॉब्लम को, इस एरर को कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है यहाँ पे ऑन है कि नहीं है, ठीक है। अगर इंटरनेट ऑन है तो आपको बताऊँगा कैसे सही करना है, और इंटरनेट ऑन आपको कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर बैक जाएंगे, ठीक है। बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बफरिंग हुआ, आपको होने देना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल से अपने प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करना है, या एफ इनपो पे आप क्लिक करेंगे, अब प्ले स्टोर का आप क्लियर डाटा कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्लियर डाटा करेंगे, उसके बाद फ़ोन का जो पार वाला बटन है उसे आप दबाएँगे, फ़ोन को यहाँ से एक बार रीबूट कर दीजिए, ठीक है। मैंने रीबूट अभी तो नहीं किया, लेकिन आपको करना होगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपके फ़ोन के अंदर एक एरोप्लेन मोड का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है, मैंने कर दिया है। यहाँ पे आपका इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट डिस्कनेक्ट था, कनेक्ट हो गया, ये देख सकते हैं। अब आपको अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, जैसे अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और ये एरर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊँगा, यहाँ पर इसका क्लियर कैच हुआ है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका फ़ोन हैंग हो सकता है, ठीक है, वेट करना है थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, आपको यहाँ दिखाऊँगा। इसमें मैंने फिर से क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसे आप बैकग्राउंड से हटा दीजिए, इसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड से इसे हटा देता हूँ, फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने फिर से क्लिक कर दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं। तो अगर आपका नेट फास्ट आएगा तो जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है, नेट थोड़ा स्लो होगा तो देर में स्लो होगा, चालू होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्ले स्टोर की इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।